अस्पताल में मृत व्यक्तियों के पोस्टमार्टम में डॉक्टरों की मदद करने वाले एक व्यक्ति ने कल रात अनैतिक संबंधों को लेकर अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये मामला। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी खुद ही पांचपावली थाने में पहुंचा और खुद के द्वारा पत्नी की हत्या करने की बात बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम परशुप राम ब्राह्मणे बताया गया है, जबकि उसके मृत पत्नी का नाम सोनू ब्राह्मणे था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांचपावली थाना क्षेत्र के लश्करी बाग में रहने वाला परशुराम ब्राह्मणे मेयो अस्पताल की मर्चुरी में कार्यरत था और लाशों के पोस्टमार्टम में डॉक्टरों की मदद करता था, जबकि उसकी पत्नी सोनू घरेलू कार्य करती थी। बताते हैं कि परशुराम शराब का शौकीन था। उसके किसी महिला के साथ अनैतिक संबंध भी थे, जिसकी भनक उसकी पत्नी सोनू को लग गई थी। इन्हीं अनैतिक संबंधों के कारण आए दिन सोनू और परशुराम के बीच विवाद होता था। कल रात भी सोनू ने अन्य महिला के साथ संबंध को लेकर परशुराम के साथ झगड़ा शुरू किया। परशुराम पहले से ही शराब के नशे में धुत था। रोज इसी बात को लेकर होने वाले झगड़े से परशुराम त्रस्त हो गया था और गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी सोनू पर घातक हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि सोनू की घर में ही मौत हो गई थी। सोनू की हत्या करने के बाद परशुराम स्वयं पांचपावली थाने में देर रात पहुंचा तथा वहां पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी उसके इस कारनामे से हक्के बक्के रह गए। वे तुरंत परशुराम को लेकर उसके घर पहुंचे तथा घर में सोनू खून से लथपथ पड़ी थी। उसे तत्काल मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आमतौर पर पत्नी के किसी पराये पुरुष के साथ संबंधों को लेकर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस घटना में पति के अनैतिक संबंधों को लेकर हत्या की घटना हुई है। सर कल अपने पुलिस स्टेशन हत्या जाली है, इनका काय तफ्तीश है, कौन आरोपी आहे, कशासाठी हत्या जाली, काय काय सांगते? काल रात्री अंदाजे 12:30 दरम्यान यातील जो आरोपी आहे परशुराम स्वामी दिन ब्राह्मणे वय 33 वर्षे राहणार गली नंबर 4 लष्करी बाग हा मेयो हॉस्पिटल येथे मर्चुरीमध्ये पोस्टमार्टम करण्याचं काम करतो। तिथे शासकीय नोकरीवर आहे। त्याचं कुठल्या तरी महिलेशी अनैतिक संबंध आहे, या कारणावरून त्याच्या पत्नीसोबत त्याचा फार दिवसापूर्वीपासून वाद सुरू होता आणि काल नेमकं परत त्याच कारणावरून त्याच्या घरी त्याच्या पत्नीसोबत रात्री 12:30 दरम्यान भांडणं झाली आणि त्या भांडणाच्या रागातूनच यातील आरोपीने लाकडी स्टूल जो असतो त्या स्टूलने आपल्या पत्नीला मारहाण केलेली आहे आणि त्या मारहाणीत तिचा मृत्यू झालेला आहे। यामध्ये या मयताची जी मुलगी आहे 10 वर्षाची तीसुद्धा सोडवायला गेली होती, तर आरोपीने तिच्यासुद्धा डोक्यावर मारहाण केली। त्यामुळे आरोपीला आम्ही अरेस्ट करून त्याच्याविरुद्ध कलम 302-324 IPC-नुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। यानंतर आरोपीचा PCR घेऊन नेमकं अजून काय कारण होतं, कोणकोण कारणीभूत आहे आणि नेमकी काय परिस्थिती होती याबद्दल आम्ही सखोल तपास करीत आहोत। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।